हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो जैसा कि हमने जनन के जो पार्ट्स थे उसमें कायिक प्रवर्धन के बारे में हम देख रहे थे। कायिक प्रवर्धन में हमने कहाँ तक देख लिया था? कायिक प्रवर्धन में जो होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमने पत्र पर कलिकाओं द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो चीज़ हमने देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे, ये हमारा 6वां पार्ट है जीव में जनन का। आज हम क्या देखेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या देखेंगे? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ये हमारा जो कायिक प्रवर्धन था, कायिक प्रवर्धन में सेकंड हमारा जो था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन था। क्या था? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन ये हमारा था छठवां, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसमें क्या है, मानव द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन से पौधे में किए गए कायिक प्रवर्धन को, जो मानव होता है उसके द्वारा किए गए कृत्रिम विधि को, विधि से पौधे में कायिक प्रवर्धन को क्या कहा जाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जो मानव कृत्रिम विधियों द्वारा पौधों में कायिक प्रवर्धन करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मानव द्वारा कृत्रिम विधि से पौधों में कराए गए कायिक प्रवर्धन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये भी हमने बताया था कि ये कई प्रकार की इनकी विधियां होती हैं। जैसे इसमें हमने क्या बताया था, कलम लगाना, दाव लगाना, गूटी बांधना, ठीक, ये सब कुछ हमने इसमें बताया था। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहली हमारी विधि थी वो क्या थी? कलम लगाना। इसमें हमारा जो पहला था वो था कलम लगाना। क्या है इस विधि में जनक पौधे में पाई जाने वाली कक्षस्थ। इस विधि में क्या होता है, पौधों में पाई जाने वाली कक्षस्थ कलिकाओं युक्त छोटी छोटी टहनियों को काटा जाता है। कलिकाओं युक्त कक्षस्थ जो टहनियां होती हैं उनको काटा जाता है, कलिका युक्त होती हैं, जिन्हें कलम कहते हैं। इस कलम को अनुकूल परिस्थितियों में भूमि के अंदर आधा दबा दिया जाता है। ये जो कलम होता है, जैसे ये कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, ठीक है, इनको काट लिया जाता है। इनमें से मान लो ये एक खंड काट लिया गया, ठीक, एक खंड काट लिया गया तो इसमें कक्षस्थ कलिकाएं निकली हुई रहेंगी, कक्षस्थ कलिकाएं निकली रहती हैं, ठीक है, जो क्या होता है अनुकूल परिस्थितियों में इनको दबा दिया जाता है। जैसे इनके जब अंकुरित होने का मेन समय होता है उस समय इनको दबा दिया जाता है जमीन में। तो जमीन में जब इनको दबा दिया जाता है, आधा दबा दिया जाता है, उसके बाद ये इसमें से कुछ समय बाद कलम से क्या निकल जाते हैं, पौधे निकल जाते हैं, ठीक है। क्या है इस विधि में जनक पौधे में पाई जाने वाली कक्षस्थ कलिकाओं युक्त छोटी टहनी, क्या होता है, छोटी छोटी टहनियां काट ली जाती हैं। काट ली जाती है और उसके बाद क्या होता है, जिन्हें हम ये जो टहनियां काटी हुई रहती है इन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम
कहते हैं जिन्हें हम कलम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस कलम को अनुकूल परिस्थितियों में, ये जो कलम होता है, इस कलम को अनुकूल परिस्थितियों में क्या किया जाता है, भूमि के अंदर आधा दबा दिया जाता है। आधा जब इसको दबा दिया जाएगा, कुछ समय के बाद क्या होता है, इसमें कुछ समय बाद कलम से भूमिगत पर्वसंधियों कलम से क्या होता है, भूमिगत जो कलम के, लिख देता हूं मैं इसको, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि ये पूरी विधि जो है इसमें आएगी नहीं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बारे में हम और ऊपर लिखते हैं, ऊपर से फिर से इसको मैं मिटा देता हूं। इसी के बाद इसमें और है, वो चीज लिखता हूं मैं। ठीक है, फिर मैं समझाता हूं इसको पूरा अच्छे से। कुछ समय बाद कलम के क्या होता है, भूमिगत पर्वसंधियों से, कलम के भूमिगत पर्वसंधियों से जो होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, पर्वसंधियों से क्या निकल आती है, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। क्या होता है, पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। तथा वायवीय पर्वसंधियों से, जो वायवीय मतलब बाहर जो पर्वसंधियां होती है, ये क्या है, भूमिगत पर्वसंधियों से क्या निकल आती है, अपस्थानिक जड़, जो भूमि के अंदर होती है उनसे क्या निकल आएगा, अपस्थानिक जड़ें, मतलब कि जड़ जो है वो निकल आएंगी। और क्या हो जाएगा, पर्वसंधियों से क्या निकल आएंगी, जो बाहर पर्वसंधियां वायवीय कच्छस्थ कलिकाएं निकल आती हैं, से कच्छस्थ कलिकाएं निकल आती हैं। और क्या होता है, निकल आती है, जिससे प्रारोह विकसित हो जाता है। प्रारोह क्या होता है, तना, जिससे प्रारोह तना विकसित हो जाता है, क्या होता है, कुछ समय बाद कलम के भूमिगत पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, तथा वायु जो बाहर की तरफ होती है, जैसे आधा मिट्टी के अंदर दबा था, आधा बाहर था, कलम जो था वही चीज का गया, वायवीय पर्वसंधियों से कच्छस्थ कलिका, मतलब जो वायु में रहती हैं उनकी जो कुछ भाग वायु में रहता है, कुछ भाग भूमि में रहता है, तो उसी से क्या होता है, पर्वसंधियों से कलिकाएं निकल आती हैं, जिन्हें प्रारोह, जिससे प्रारोह विकसित हो जाता है। प्रारोह मतलब क्या होता है, तना, जो हमारा तना होता है जिससे विकसित हो जाता है। ये किस में पाया जाता है, गुलाब, गन्ना, गुलाल। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, गुलाब गन्ना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गुलाल। ठीक है, ये चीजें हो गई। चलिए अब आगे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम। क्या दाब लगाना है इसमें हमें, कृत्रिम प्रवर्धन में बी में क्या देखना है, दाब लगाना।
बी हम क्या देखेंगे, दाब लगाना। इस विधि में क्या होता है, जनक पौधे की जो लचीली भूमि के निकट पाई जाने वाली शाखा को क्या कहा जाता है, छील दिया जाता है। जो जनक पौधा होता है, दाब लगाने वाली जो विधि होती है, इसमें क्या किया जाता है, जनक पौधे को जो भूमि के निकट पाई जाने वाली लचीली शाखा होती है उसे क्या किया जाता है, उसकी छाल को छील दिया जाता है। बाद में उसे लकड़ी के पिन द्वारा झुकाते हुए जो है, बाद में उसको क्या किया जाता है, लकड़ी के पिन द्वारा झुकाते हुए भूमि के अंदर इस प्रकार दबाया जाता है कि इस शाखा का अंतिम सिरा पत्तीयुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस सिरा का अंतिम, मतलब जैसे ये लचीला भाग है ठीक है, और ये पूरा पौधा है हमारा ठीक, ये मान लो पूरा पौधा है, ये लचीला भाग भूमि के पास पाया जा रहा है, ये रहा भूमि के पास पाया, तो इसमें पत्ती होनी जरूरी है ठीक है, ये अंतिम सिरा। इसको हम मिट्टी के अंदर इसकी छाल को छील कर दबा देते हैं ठीक है। अंतिम सिरा पत्ती युक्त होना चाहिए, मिट्टी के अंदर दबे हुए भाग को सींचते रहना चाहिए, जो ये मिट्टी में दबा हुआ भाग रहेगा इसको क्या करना चाहिए, बराबर सींचते रहना चाहिए, जिससे इस भाग में अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। जो अगर हम इसको सींचते रहेंगे बराबर, तो यहाँ पर धीरे धीरे अपस्थानिक जड़ें निकल जाएंगी यहाँ पर ठीक है। फिर इसको हम काट कर अलग कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, नया पौधा हो जाएगा। फिर इसे मातृ पौधे से काट कर अलग कर दिया जाता है, इस प्रकार एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, अंगूर के अंदर, और क्या हो जाएगा, चमेली के अंदर ये चीज हो जाएगा ठीक है। चलिए इसको मैं लिख देता हूं, हमारा बी क्या हो जाएगा, दाब लगाना। इस विधि में जनक पौधे के लचीले, जनक पौधे की लचीली तथा भूमि के निकट पाई जाने वाली टहनी जो टहनी होती है, या शाखा लिख सकते हैं हम, टहनी की छाल को छील कर मिट्टी में दबा देते हैं। हम ये जरूरी है कि शाखा या टहनी के अंत में पत्तियां होनी चाहिए मिट्टी से दबे हुए भाग पर पानी डालते रहना चाहिए, दबी हुई टहनी पर क्या करते रहना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, सींचता रहना चाहिए, टहनी को सींचते रहना चाहिए। जो दबी हुई टहनी है उसको क्या कहना चाहिए, सींचते रहना चाहिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें, जिससे क्या होता है, सींचते रहना चाहिए जिससे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो निकल आती हैं, और फिर इसे मातृ पौधे से अलग कर लेते हैं।
जो हमारा मातृ पौधा है उससे क्या होता है अलग कर लेता है, इस प्रकार एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, चमेली हो जाएगा। चमेली को देखा होगा आपने, चमेली में ये किया जाता है, और किस में होता है, अंगूर में, अंगूर में ये चीज होता है, ठीक है, चमेली और अंगूर दोनों में ये चीज होता है। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, गूटी बांधना। गूटी बांधना मैं इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि ये सब ज्यादा जरूरी नहीं है, आप लोग इसको समझ लीजिए और साथ में थोड़ा सा नोट्स बनाते रहिएगा। गूटी बांधना मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को क्या होता है। इस विधि में मातृ पौधा, जो मातृ पौधा होता है, मातृ पौधे की एक अच्छब शाखा के मध्य छाल को हटा दिया जाता है, कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी का लेप लगाकर मोटे कपड़े से बांध दिया जाता है, ठीक है, इसे गूटी कहते हैं। इस शाखा के ऊपरी वाली शाखा को जल से भरकर एक मटका लटका दिया जाता है। ऊपरी वाली जो शाखा होती, मान लो ये शाखा हमारी है, ये पौधा हमारा, ठीक, यहां से एक शाखा और निकली, यहां पर हमने छील दिया, इसको छील देंगे हम, ठीक, इसको छील देंगे, ये मान लो ये मोटी शाखा है, ठीक, ये मोटी हमारी शाखा है, हमने इसको छील दिया, थोड़ी सी मोटी है, इसको हमने छील दिया, यहां पर ऊपर से नीचे से छील दिया, ठीक, ये छील दिया हमने। फिर क्या, इस पर एक कपड़ा लेंगे, कपड़े से मिट्टी लगाकर, मिट्टी के लेप लगाकर मोटे कपड़े से बांध देते हैं, उसके ऊपर एक मटका लेते हैं, यहाँ पर मटका लटका देंगे, और मटके को लटका किसमें, ये है गूटी बांधना, जो हमारा ये बी था दाल लगाना और सी हमारा हो जाएगा गूटी बांधना। गूटी बांधने की ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, इस शाखा के ऊपर वाली शाखा पर एक मटकी को लटका दिया जाता है, ठीक है, रस्सी से बांध कर लटका दिया जाता है, जिससे मटकी से बूंद बूंद पानी रस्सी इसमें मटकी के जो यहाँ पर छेद करके एक रस्सी बांध दिया जाता है, रस्सी के सहारे होते हुए गूटी, ये जो गूटी है इस पर जो हमने बांध कर रखा हुआ है मिट्टी का लेप लगाकर, इसे हम कहते हैं गूटी। तो यहाँ पर धीरे धीरे पानी आता रहता है, इस मटके में पानी भर दिया जाएगा, उसमें रस्सी लगा दिया जाएगा, रस्सी के सहारे धीरे धीरे इसमें पानी आता रहेगा, ठीक है, नमी बनी रहती है, जिससे क्या होता है मटके से समय समय पर पानी भरते रहता चाहिए। कुछ समय बाद हम देखेंगे कटे हुए भाग से क्या होता है, जड़ें निकल आती हैं, फिर इस शाखा को हम काट लेते हैं। कुछ समय पश्चात क्या होता है, जड़ें निकल आती हैं यहाँ पर, फिर इस शाखा को हम काट लेंगे और इससे क्या हो जाएगा, नए पौधे का काट कर मिट्टी में लगा दिया जाता है, इससे क्या हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, और इसे क्या कहते हैं, गूटी बांधना। गूटी बांधना ये किस में आ जाएगा, गूटी बांधना का उदाहरण क्या हो जाएगा, नींबू और लीची, नींबू नींबू हो जाएगा और लीची, नींबू और लीची जो है वो हमारा इसका उदाहरण हो जाए। अब रोपड़ या पैबंद लगाना, इसमें था ना रोपड़ या पैबंद लगाना, इसमें क्या होता है, इस विधि में खराब नस्ल वाले एक पौधे को तने के विशेष आकार को काट लिया जाता है, जैसे तिरछा वी आकार का, वी या तिरछा आकार का, वी आकार का ऐसे काट लेंगे, ऐसे मान लो हमने एक तना काट लिया, ठीक, ऐसे ये किसी भी खराब पौधे का हमने तना काट लिया, मान लो ऊपर अच्छे से पौधे पत्तियां ना हो, उसमें जड़े होनी चाहिए, ठीक है, काट लेते हैं, उसके ऊपर ही अच्छी नस्ल को किसी दूसरे पौधे के तने से काट कर क्या करते हैं, लगाने को रोपण कहते हैं। इसमें जो लाने को, एक मान लो नया पौधा अच्छा पौधा है, ये मान लो हमारा जो है वो अच्छा पौधा, ठीक, यहां से हम इसको काट लेंगे, इसको ऐसे हम काटेंगे वी आकार में, इसको हम इधर से ऐसे काट लेंगे, ये हमारा तब खत्म हो जाएगा, ठीक, ये हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसे हमारा होगा, ठीक, पौधा इसको अब हम इसमें लेकर लगा देंगे, ठीक है, सुलती हुई बांध देते हैं, क्या करते हैं, काट कर इसको लेकर इस पर लगाकर बांध देते हैं, और देखते हैं हम कुछ एक दो महीने पश्चात इस पर लगाने के बाद कपड़े वगैरह से पॉलिथीन से अच्छे से मिट्टी का हल्का सा लेप लगाकर नमी हल्का सा बनाकर इस पर बांध देते हैं। कुछ समय एक महीने तक दोनों के ऊतक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वह पौधा जिस पर अच्छी नस्ल का पौधा
के तनों का कटे हुए का भाग लगाया जाता है उसे स्टॉक कहते हैं। जो ये है इसे क्या कहते हैं, हम स्टॉक कहते हैं। इस पर पौधा अच्छी नस्ल का लगाया जा रहा है तो इसे हम स्टॉक कहेंगे। और जो खराब नस्ल का या खराब नस्ल के पौधे होते हैं, ठीक है, ये जो होता है ये खराब नस्ल का पौधा होता है, इससे जड़ पाई जाती है, इसमें जो है वो जड़ें रहेंगी, ये जो है इसमें जड़ें रहेंगी पहले से, ठीक है, ये जड़ें पाई जाती है। अच्छी नस्ल वाले पौधे के तने को क्या कहा जाता है, स्क्वाइन कहा जाता है। इसके जो तना होता है इसको क्या कहा जाता है, स्क्वाइन कहा जाता है। ये जो होता है अच्छी नस्ल का पौधा होता है इसे स्क्वाइन कहा जाता है। इसमें पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें जो होता है वो पत्तियां पाई जाती हैं। ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, किस चीज का ये उदाहरण, रोपड़ या पैबंद लगाना, रोपड़ या पैबंद लगाना, ठीक है, रोपड़ या पैबंद लगाना। ये इसमें हो जाएगा डी में, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, ये लिख लीजिए, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, सेब और नाशपाती, सेब और नाशपाती, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब हम इसके आगे सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद कायिक प्रवर्धन से होने वाले लाभ देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन से क्या क्या लाभ हो जाएंगे हमारे, ये चीज हम देख लेते हैं। चलिए, कायिक प्रवर्धन से लाभ, कायिक प्रवर्धन के लाभ, कायिक प्रवर्धन के लाभ, जो इसके हमारा पहला लाभ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इससे पौधे की खराब जातियों को अच्छी जातियों में विकास होता है। खराब जातियों से क्या होता है, खराब जाति से, खराब जाति से अच्छी जाति का, अच्छी जाति का विकास होता है। जो होता है इससे पौधों के खराब जाति का, खराब जाति से अच्छी जाति का विकास होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, यह सस्ती और आसान विधि, दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, यह सस्ती और आसान विधि है, सस्ती और आसान विधि है, आसान विधि है, ये जो है वो क्या है, सस्ती और आसान विधि है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इस विधि द्वारा कम समय में नए पौधे को उत्पन्न किया जा सकता है। जो ये विधि है इसमें क्या होता है, कम समय में, कम समय में, तीसरा हो जाएगा, कम समय में नए पौधे, नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें हमारा चौथा क्या हो जाएगा, इससे अपनी इच्छा अनुसार पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, ठीक है। और हमारा पांचवा क्या है, इससे पौधों में शुद्धता बनी रहती है। पांचवा क्या हो जाएगा, पौधों में शुद्धता बनी रहती है, जो क्या होता है, इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है। चलिए ठीक है, इसमें हम कायिक प्रवर्धन के लाभ देख लिए और हम इसमें हानियां भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, लाभ का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं हानियां इसकी लिखता हूं, ठीक है, हानियां हम लिखते हैं। कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन की, प्रवर्धन से हानियां, जो हमारे इससे
हानि होती है। कायिक प्रवर्धन वाले अंगों को बीजों की तरह लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता। जो कायिक प्रवर्धन होता है इससे क्या होता है, कायिक प्रवर्धन वाले अंगों को, पहला क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन वाले अंगों को बीजों की तरह लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता। जो और दूसरा क्या हो जाएगा, इस विधि द्वारा उत्पन्न नए पौधों का प्रकीर्णन नहीं होता है तथा ये मात्र पौधे के पास ही उत्पन्न होते हैं, जिससे इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन, जल तथा वायु नहीं मिल पाते। क्या होता है, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे में प्रकीर्णन नहीं होता है, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे में प्रकीर्णन नहीं होता, ठीक है। और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, इससे पौधों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तीसरा हो जाएगा, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। और पांच चौथा हमारा क्या हो जाएगा, इससे उत्पन्न होने वाले पौधों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। जो इससे उत्पन्न पौधे को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। जो इससे उत्पन्न होंगे पौधे उनको अधिक से अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। और पांचवा क्या है, इससे उत्पन्न पौधे जल्दी नष्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में एक थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, मतलब एक और घंटे की लगभग वीडियोस रहेंगी, वो नाइट में ही शूट होंगी। तो यहाँ पर शायद उम्मीद है कि जो लिखे जाएंगे, जैसे आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेता, मैं बताता हूँ, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। तो आगे जो है वो लैंगिक जनन है, वो लैंगिक जनन आप लोगों को मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, नाइट में वीडियो बनेगी इसकी, तो उसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो कुछ रोशनी आएगी इतनी दूर में कुछ लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। इसके अगल बगल रहेगा वो चीज़ आप लोग मैनेज थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम फिलहाल दिन में थोड़ा अभी कम मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रहेगा वो थोड़े से अक्षर वगैरह कम दिखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, और लिखता हुआ चलूंगा साथ में, बोलता हुआ, तो आप लोग साथ में लिखते हुए चलेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर अगर नहीं आता तो मैं उसके लिए यहाँ पर लिखूंगा नहीं, इसके अगल बगल लिख दूंगा, ठीक है। आज मैं लैंगिक जनन, मतलब कि आज रिकॉर्ड हो जाए तो कल आप लोगों को इसके लैंगिक जनन के बारे में जो है वो लॉन्ग जो वीडियो होगी लैंगिक जनन की वो आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।